बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं औरंगज़ेब मलिक और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे। नाज़रीन, आज हम आपको फैसलाबाद की एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 1996 में ज्वाइन किया और उसके बाद बल्दियात से जो है वो अपनी सियासत का आगाज़ किया और हालिया 2018 के इलेक्शन में वो मेम्बर पंजाब असम्बली भी रहे और चेयरमैन FDA का ओहदा भी उनको दिया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चौधरी लतीफ़ नज़र गुजर की और अभी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिटी सदर भी हैं। तो हम आज जो है वो उनसे कुछ बात करेंगे, उनसे कुछ सवालात करेंगे और ख़ास तौर पे हालिया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसलाबाद में जलसा हुआ तो चौधरी लतीफ़ नज़र गुजर के साथ स्टेज पर क्या हुआ और तहरीक इंसाफ जो है वो फैसलाबाद ग्रुपों में क्यों तकसीम होती जा रही है, ये तमाम सवालात करेंगे और उनसे पूछेंगे। लेकिन पहले जो है वो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी दबाएँ। तो चलते हैं चौधरी लतीफ़ नज़र गुजर के घर और उनसे ये कुछ सवालात करते हैं। जी जी, चौधरी लतीफ नज़र गुजर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी चौधरी साहब, आपका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया साथ ही। और सर ये बताइएगा कि सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, मैंने खुद ये चीज़ देखी है कि जो आपके यूथ भी है PTI की, उनका अहम करदार भी होता है, उनकी जानब से बड़े सवाल उठ रहे हैं कि जी जलसे का ऑडिट होना चाहिए। और ये भी सुनने में आया कि आपकी तंजीम क्योंकि आप सिटी सदर हैं तो आपके कुछ अहदेदारों ने जो है वो पासिस बकायदा सेल भी किए हैं, 20-30 हज़ार का स्टेज का पास सेल कर दिया, तो इसके पीछे क्या मुहरकात है, क्या इसमें भी कोई हकीकत है? देखिए, मैं नहीं समझता ऐसा है, लेकिन आप लोगों की जो आवाज़ है या लोगों की खुद को नहीं रोक सकता। लेकिन आप, मैं उससे बरीजमा भी नहीं हो सकता कि मैं कह दूँ ऐसा नहीं, लेकिन इसकी बाकायदा हम इंक्वायरी करा तो जो हकायत हैं बिल्कुल सबके सामने लेके आएंगे कि जो लोगों को पास दिए गए थे वही आए, या अगर ऐसी आप बता रहे हैं किसी ने कोई ऐसी तो बिल्कुल उसका मसला। और कहने का मतलब है कि आप एक कहने की जो जलसा होता है उसका बकायदा ऑडिट करवा रहे हैं। बहुत बड़ा तारीख का बहुत बड़ा जलसा था, लेकिन उसके ऊपर जो है वो कुछ बदनसीबी भी आई स्टेज पे, वो क्या मामला क्या था, लोग बड़ी बातें कर रहे हैं आपके साथ, कुछ बदतमीजी भी हुई? देखिए, बात यह है कि हमने डिसिप्लिन प्लान किया था, हमने क्राइटेरिया बनाया था कि वहाँ MP और MNA के जो हैं या जो मुस्तकबिल में ये उपाश करते हैं कि हमने आवाम के पास जाना है इलेक्शन प्रोटेस्ट करना, तो हमने ये स्टेज का मैनेज किया था। तादाद थोड़ी वो बदकिस्मती से अब उसकी हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग बगैर जो पासिस के ऊपर थे, ज़ाहिर है वो अगर छोटे स्टेज पर ज़्यादा लोग आएंगे तो ये तो फिर बना नंबर एक। जहाँ तक ये बदनजमी की तो एक बात है, जहाँ तक मेरी जाती मतलब जो मेरे साथ वो हमारे पर्सनल गार्ड हैं वो उन्होंने फिर मेरे से मदद की थी कि मैं जानता नहीं था, वहाँ पे एक और इस किस्म का होता है कारण पढ़ाई फ्लैट भी है, तो मैं उसको दरगुजर करता हूँ, मैं इसको मीडिया में नहीं जाना चाहता। बहुत सारे मेरे भाइयों ने कहा पार्टी का इंटरनल मैटर ठीक है, वक्ती तौर पर लोगों को भी सदमा हुआ कि मुझसे प्यार था, मुझे भी हुआ, लेकिन वो चीज़ मैं समझे छालने वाली नहीं, ये चीज़ें हो जाती हैं, तो दानिश्ता किसी ने मेरे साथ दिक्कत नहीं की। तो ये ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, एक छोटा सा ये भी जवाब दे दें कि हमने देखा कि 2018 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग ने उनके बहुत ही वाजे तौर पर दड़े दबे थे फैसलाबाद, तो अभी PTI की भी दड़ेबंदी आहिस्ता आहिस्ता होती जा रही है, क्या समझते हैं इसका नुकसान ही होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसलाबाद? मैं नहीं समझता हूँ, यकीनन जो आप बात कर रहे हैं दुरुस्त है, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे, क्योंकि जब मेरा ख्याल है कि जो मैंने पहले बात की, अल्लाह करे वो नज़रियाती लोग आए, तो ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून में तो अब उनका जो लीडर है उसका भी नज़रिया ऐसा ही माना है, तो नीचे जो है वो भी। अब मैं अक्सर अगर अपनी PTI की बात करूँ तो बहुत मकसद, बहुत बड़े मकसद की काम कर रहे हैं इमरान खान साहब, अल्लाह ताला ने उनकी क़यादत में उनकी शक्ल में हमें कैसा लीडर दिया है, आप उस पर लाख इख्तलाफ कर सकते हैं, उन बेशुमार कमियों को, उनकी ईमानदारी पर, उनकी ऑनेस्टी पर कोई इस पर दूसरी राय नहीं, उनके दुश्मन भी इसके बाद वो इसी शख्स की ऐसे बंदे की मुल्कत हुई, तो अल्लाह ताला ने मौका दिया अपने भाइयों से भी अक्सर करना, हम इनको हमारा ये मुल्क है, हमारा ये घर है, तो हमारी शनाख्त है, इस वक्त काम काम हम लोग उनकी ना करें, नज़रिए के साथ जो नज़रिया इमरान खान नज़रिया, अगर हम उसी नज़रिए से काम करें तो फिर ये बड़ी पार्टियों में बहुत सारे अहदे ऐसे होते हैं, जैसे आपने माजी में देखा 2018 में हमारे बहुत सारे लोग, जैसे शेख शाह साहब थे पोलिटिकल ईयर वाइस चेयरमैन बनाते हैं, उनके चेयरमैन बना दिया उनका बादशाह का, इसी तरह जो लूजर थे हमारे असद मजलूम साहब, उन्हें FDA की चेयरमैन ही मिली। तो ये सियासी पार्टियाँ समंदर होती हैं, अगर किसी दोस्त को पार्टी टिकट नहीं भी देती तो इंतज़ार करना चाहिए आने वाले वक्त में, शायद ये उसके लिए बेहतर। और मैं तो बीइंग एक इंसान और एक मुस्लिम होने की चीज़ से मैं समझता हूँ, जिंदगी में बेशुमार मैंने नाकामियाँ भी देखी, लेकिन आज मैं अगर पीछे मुड़ के देखता हूँ
मैं ये समझता हूँ हर चीज़ का एक वक्त होता है, वो वक्त मेरे लिए अल्लाह ने जो फैसला किया वो बेहतर था। मुझे तो वक्ती तौर पर सदमा लगा कि मैंने 2018-13 का इलेक्शन में हार गया, लेकिन आज मैं महसूस करता हूँ कि नहीं, जो अल्लाह ने किया बेहतर किया, क्योंकि अब हमारी हुकूमत बनी, अब मेरा जीतना मेरे लिए फ़ायदेमंद हुआ और मेरी जो खदमात है मैं पार्टी के लिए कुछ कर सकता हूँ। उस वक्त मैं जीत भी जाता तो शायद मैं इस तरह करते हुए करता। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने हमें बहुत अच्छा वक्त दिया और बड़ी ज़बरदस्त बातें की। तो नाज़रीन, आपने चौधरी लतीफ़ नज़र गुजर की बातें सुनी, हमने उनसे बड़े सख्त सवालात भी किए, आपने उनके जवाबात भी सुने। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।